किसान सहगल साहब के नाम है। और किसान सहगल साहब का तारुफ कराने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आज की जो तकरीब जिस इनकी दौलत कदर पर मुनक्द हो रही है, जनाब प्रोफेसर सुल्तान अहमद साहब मौका इब्तदा में तारुफ थोड़ा सा पेश किया गया कि हजरत मुनव्वर बदायूनी साहब के साहबजादे और जनाब महेश बदायूनी साहब के पोते महेश बदायूनी साहब के भतीजे दिलावर फिगार साहब इरफान की बदायूनी और ये पूरा सिलसिला बदायूनी का। फिर इनकी जो मिसेज हैं प्रोफेसर डॉक्टर नारी सुल्तान, वो हमारे सर्जरी के बड़े दमकार प्रोफेसर मुमताज हुसैन साहब की साहबजादी है। तो इस तरह से आप देखें कि ये खानदान बड़ा नजीबुद्दीन खानदान है। जैन आपके भतीजे हैं। प्रोफेसर अनिल जैदी साहब हमारे यहाँ बहुत ही हमा जहर हमा सिफा शख्सियत है। आपको अगर याद हो कि कराची में सिंध और कराची जो जैसे कॉलेज प्रिंसिपल्स एसोसिएशन एक जमाने में हुआ करती थी, फिर वो सप्लाई तंजीम हुआ करती थी, तो उसके बड़े पाकिस्तान कॉलेज बड़े एक्टिविस्ट पाकिस्तान कॉलेज एसोसिएशन थी उस दौरान। आप तो नहीं, इन्होंने मेरे ख्याल से 70s का वो दौर जो अखबार में लिखते थे तो उनको कुछ जाहिर खबर 50 मकाम पर धरने भी हैं, तो 51 में धरना इसको समझ लीजिए जहाँ हम लोग इस वक्त है। मेरा ख्याल है कि सबसे जो है मजबूत और मौसर धरना यही वाला धरना है। शायर अजीब सब जमा हर हर सब्जेक्ट का स्कूल ऑफ थॉट मेरे सामने, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो बता दें आगे एहसान सहगल साहब, तो मैं तो खुद ही चाहूंगा कि इनकी जबानी अगर हम सब सुने इनके हालात जिंदगी और उसके बाद यहाँ 70 की दहाई में जो इनका जो वक्त यहाँ गुजरा कराची में, फिर साहबती जिंदगी की आगाज करियर रहा